हाय, दिस इज़ मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़ोरदार सी खुशखबरी, क्योंकि एक धमाकेदार वैकेंसी, काफ़ी अवेटेड वैकेंसी निकल के आई है बिहार में बिजली विभाग की तरफ से। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार बिजली विभाग में जो बम्पर पदों की वैकेंसी आई है अलग अलग पोस्ट के रिगार्डिंग, उसके बारे में। टोटल पोस्ट की बात करूं तो 2610 पोस्ट रहेगा। फ्रेंड्स, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। वैसे तो बिहार के लिए वैकेंसी है, पर ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे किन किन पोस्ट के ऊपर भर्ती आई है, एडवर्टीजमेंट क्या है, सीट कितना होगा एंड क्वालिफिकेशन क्या है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हो सारे पोस्ट का अलग अलग नोटिफिकेशन डाउनलोड करना, इसका ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड करना, तो मैंने अपलोड कर रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे। जाइए वहां से डाउनलोड करके आप भी देख लीजिए। हाँ, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए फिलहाल अभी पोस्ट की डिटेल समझते हैं। फर्स्ट पोस्ट है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3। जैसा कि आपने देखा ओवरऑल पोस्ट 2610 है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 2000 टोटल सीट रहेगा। एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2024। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है ना, 10वीं पास होना चाहिए। कैंडिडेट अगर 10वीं पास है, साथ ही साथ उसने 2 साल का ITI कर रखा है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो वो एलिजिबल रहेंगे। सेकेंड पोस्ट है जूनियर अकाउंट्स क्लर्क 4/2024 एडवर्टीजमेंट। इसके लिए 300 यानी 300 पोस्ट आपका जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की है। क्वालिफिकेशन, जिन्होंने भी ग्रेजुएशन कर रखा है कॉमर्स से यानी BCom के कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। आपका जो थर्ड और फोर्थ पोस्ट है ना, वो एक ही एडवर्टीजमेंट के अंतर्गत आता है 3/2024। पहला पोस्ट है कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड सेकेंड है स्टोर असिस्टेंट। देखिए, दोनों के लिए बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन आपने कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, आप एलिजिबल रहेंगे इन दोनों ही पोस्ट के लिए। करेस्पॉन्डेंस क्लर्क के लिए 150 यानी 150 सीट रहेगा। स्टोर असिस्टेंट के लिए 80 यानी 80 पोस्ट रहेगा। फिर आती है आपकी नेक्स्ट पोस्ट, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर JEE GTO के लिए। एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2024 है और सीट्स आपका जो रहेगा 40 रहेगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। लास्ट पोस्ट आपका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर GTO के लिए है। एडवर्टीजमेंट 1/2024। देखिए, एडवर्टीजमेंट नंबर इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि सबके एडवर्टीजमेंट नंबर के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन आया है, तो वो आप देख लीजिएगा एडवर्टीजमेंट नंबर के अकॉर्डिंग। पोस्ट आपका 40 रहेगा। क्वालिफिकेशन इसके लिए या आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर BTech कर रखा है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से, तब जाके आप एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे मिनिमम मार्क्स भी आपका देखा जाएगा, जनरल का कम से कम 60% होना चाहिए, BC EBC का 55 यानी 55% और SC ST का 50 यानी 50%। ये आपकी बेसिक डिटेल है आपके पोस्ट के रिगार्डिंग। चलिए आगे बाकी के डिटेल्स को भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अप्लाई करने का जो तिथि है, काफ़ी समय से बच्चे वेट कर रहे थे क्योंकि पुराने नोटिफिकेशन के हिसाब से ये वैकेंसी आपकी अप्रैल से मई में फॉर्म भरी जानी थी, बट अभी न्यू डेट आ गया है और फॉर्म ऑनलाइन भी होने स्टार्ट हो चुका है। 20 जून से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट आपका 19 जुलाई रहने वाला है। लेकिन आपको 19 जुलाई तक इंतजार नहीं करना है, अगर आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, तो जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर ही देना। सेकेंड थिंग ये कि पहले जो आपका एग्जाम डेट था ना, वो आपका जुलाई में होना था पेपर, लेकिन अभी न्यू नोटिस में एग्जाम का डेट भी मेंशन किया गया। देखिए, सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब देखते हैं फॉर्म अप्लाई करते वक्त चार्जेस क्या लगेंगे। फॉर्म फी की बात करें, जनरल BC EBC से आपका 1500 यानी 1500 रुपया लिया जाएगा और SC ST कैंडिडेट से 375 रुपीज। अब देख लेते हैं एज लिमिट। सबसे पहले जानेंगे किस डेट से कैलकुलेशन होगी। देखिए, पहले भी इस एज का जो गणना है ना, वो सेम डेट से होगा, 31 मार्च 2024 पहले ही अनाउंस कर दिया गया था। अब देखते हैं कि लिमिट क्या रहेगी पोस्ट वाइज।
मिनिमम एज जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 और जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए आपका 18 वर्ष यानी 18 इयर्स रहेगा। अदर पोस्ट के लिए मिनिमम एज 21, मतलब कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 और जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 18 वर्ष से 37 वर्ष, दूसरे पोस्ट के लिए 21 वर्ष से 37 वर्ष। रिलैक्सेशन की बात करूँ, अपर एज में रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी को 3 इयर्स का और एससीएसटी को 5 इयर्स का। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन बहुत ही आपका आसान प्रोसेस से होगा, सिर्फ और सिर्फ दो स्टेज। पहले स्टेज पर ऑनलाइन सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, फिर मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो अभी हम लोग समझ लेते हैं कि आपका एग्जाम होगा उसका क्या पैटर्न होगा। देखिए फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन में एग्जाम का पैटर्न नहीं दिया गया कि कितना टाइम में होगा, निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं, लेकिन सारे पोस्ट के लिए ना प्रॉपर अलग अलग उसका जो है सिलेबस दे दिया गया कि इस चैप्टर से, इस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। तो वो आपको नोटिफिकेशन में सारी जानकारी दी गई है, डाउनलोड करके अच्छे से देख लेंगे। फिलहाल मैंने जो नोटिफिकेशन को देखा उससे इवैल्यूएशन से ये पता चला है कि नॉर्मली बाकी के सभी पोस्ट के लिए जीके, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी अगर आप पढ़ते हैं तो जैसे जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सेम टाइप का आपका रहेगा पैटर्न। कुछ जो सब्जेक्ट है जिसमें कि आपका इंजीनियरिंग वगैरह का, तो उसमें आपका ट्रेड रिलेटेड पूछा जाएगा, तो उस पर विशेष ध्यान देना है। तो ये थी इसकी बेसिक डिटेल। सैलरी भी बहुत अच्छी इसकी मिलती है। नोटिफिकेशन में बताया गया कि 36,800 यानी कि 36,800 रुपीज से शुरुआत होती है, बाद में सैलरी 58,600 रुपीज हो जाती है। तो इसकी सारी डिटेल्स अब मैंने आपको बता दी। अब भी कहीं पर कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट करके क्लियर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते जाना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है, ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन Stay tuned. Bye-bye. Take care.